नमस्कार। कार्यक्रम संसदीय सर्वर में आपकी स्वागत ब। बुद्धिस्ट सामुदायिक टेलीविजन पर कार्यक्रम में अगली बैठी रहा कैमरा पर्सन नारायण के साथ में थी। कार्यक्रम आप हर एक सोम के और हर एक बार के ठीक इतने समय से आप देख सकल जात जिमे अमर के समाज में कोनो भी विकृति बा और हमरे ओके कैसे हटाए तमाने साधन और सूत्र के बारे में हमरे जानकारी देख कोशिश कल जात ओकर साथ में अमन के समाज में कौन भी विकृति बा और असल सभी समाज के निर्माण के लिए हमरे का करे पूरी ऐसे तमाने जोन व्यक्ति बाटे तमाने क्षेत्र में बाटे तमाने क्षेत्र में जो सफलता प्राप्त कई चुकल बाटे तो तमाने पेशा करे वहाँ से लेके बातचीत कर जाता और इतने बरना हो के वहाँ से हमारे प्रत्यक्ष की करा के बातचीत भी कर जाते यानी कि हमने के कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य कहल के हमारे असल से मार ओकर साथ में हमारे कोनो भी क्षेत्र में असफलता प्राप्त करे के लिए हमारे का करे पड़ी इस संबंध में हमारे विशेष कह के चर्चा कर जाते वैसे जोन की फिर हमन के निर्वाचन अब धीरे धीरे नगीचे हो चुकल बा जोन मंगसिर 4 गते हमन के अब इतने घड़ी से हरेक जो नेता बाटे माहौल बना रहा बाटे हरेक जगह में हरेक पार्टी से लागल बाटे यही संबंध में हमारे आज विशेष करके चर्चा करे के वैसे हमन के स्थानीय निर्वाचन के चुनाव जो है सम्पन्न हो चुकल और हमन के कुछ महीना बीत चुकल फिर भी जो है पहले भी ऐसे पहले भी हमन के जनता 5 वर्ष का अनुभूति कहने और इतना अवधि में भी कितना जगह बाकी हमन के 5 वर्ष में कुछ नहीं पाल गया फिर कहीं हमन के वह व्यक्ति के यानी कि वह नेता के स्थानीय निकाय में जो रहा बाटे अध्यक्ष उपाध्यक्ष यानी कि मेयर उपमेयर बाटे और यानी कि हर एक पालिका में ऐसे वो सब भी 5 वर्ष में कुछ काम नहीं किने और कितना जन के कार्यकाल ओरा गिल और कितना जन बाटे फिर दूसरा कार्यकाल समाप्त चुकल बाटे फिर भी ओखन के लक्षण देखत के कुछ करिए कहीं के नहीं लगत यानी कि कुछ जो न मेयर उपमेयर यानी कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष बाटे 6वां वर्ष में लगल बाटे फिर भी हमने के समाज के जो न प्रगति होना हो हमने के समाज के जो विकास निर्माण के लिए वो सबके महत्वपूर्ण योगदान नहीं बा और एमा अब एक तरफ हमारे देखा जाते जनता के भी यानी कि जे वोटर बाखन के भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मिस्टेक यानी कि गलती देखा जाता और कितना जने जो है बाटे वो सब यदि हमने के सोचल जा बढ़िया दिमाग से ते अब नेता जितना बाटे अब कहा जा कि कितना अनपढ़ गंवार के भी हमारे जिताल जाता तो हमन के यानी कि वोटर के भी यानी कि जनता के भी ढेर एमा गलती बा और हमारे ऐसे व्यक्ति के चुनल जाता अति फिर अब दोबारा हमारे कहा जी हर एक जो पार्टी के नेता लोगन बाटे वो सब भी अब ऐसे पहले भी 5 वर्ष के अवधि में हमन के उस सब के जो है उल्लेखनीय काम करे नहीं सकने यानी कि विकास निर्माण के काम ओझिल में पारधले बाटे और फिर वह चेहरा यानी कि पुरानी चेहरा हमारे फिर देखे पाल जाता 6वां वर्ष में यानी कि फिर जो है बैसाख में निर्वाचन हो चुका स्थानीय निकाय के और फिर हमन के जो संसदीय निर्वाचन बा एमा भी वह किस्म के जो है कहने कि अब एक के जगह के जो व्यक्ति बाटे रूप बार फरक बा बाकी ओखन के जो कार्यशैली बा वही रही ते वैसे हमारे बार बार वह व्यक्ति के वह वैसे वह पार्टी के हमारे वोट दे के जिताल जाता और कितना जने बाटे कि अच्छा काम करें कह के उस सबके मनमुटु में उस सब पलझा के मन के घुमा के वोट मांगत बाटे और कितना जगह तो अब तमाने हिसाब से हमारे लूटल पैसा कहा जी दलाली कैल पैसा कहा जी वह पैसा फेंक के जो है नेता बाटे निर्वाचित हो चुका बाटे यानी कि जीत जात बाटे ते एमा हमन के सबसे पहले ते जनता के भी गलती हमारे जनता कौन भी पार्टी न देखिए हमारे सही व्यक्ति के चिन्हल जाते हमन के समाज के विकास हो सकी न कि हमारे कौन व्यक्ति अपन माने होने और इतना खर्च करत बाटे खर्च कल के ते अब कौन भी नेता यदि खर्च करे ते हमन के सोचे बा इतना लाखों करोड़ों पैसा खर्च करत बाटे ते जीतले के बाद उते जरूर असूल भी करी यानी कि बचोचार कर भी करी और कितना जो है 5 वर्ष के अवधि में भी जो ढेर पैसा कमेले बाटे इससे पहले के कार्यकाल में भी और फिर दूसरा जो है स्थानीय निकाय के में कितना जीत चुकल बाटे फिर हमन के संसदीय चुनाव बा अगहन 4 गते यानी कि मंगसिर 4 गते में भी आगे बढ़ चुकल बाटे अपन प्रचार प्रसार करा रहा बाटे कर रहा बाटे ते एमा भी जो है हर एक जगह में अब काजा दारू मासू में जनता बिके के नजीक आ चुकल बाटे ते एमा हमन के सचेत रहे के आवश्यक बा जब तक हमारे जनता अभी तक नहीं जागल गई फिर भी आज अभी तक हमन के जागे बा और हमारे 5 वर्ष के अवधि में फिर
ऐसे ओझल में परेक चाहल जी थे हमने की एक दिन के काम से यानी कि ओखन के दो चार पैसा हमारे पाके या यानी कि दारू मास हमारे खा के ओखन के जौन 5 वर्ष के लिए हमारे जिताल जी और ओखन के जिताल खाल के यदि हमारे सही व्यक्ति के नहीं जीता गल बा ते 5 वर्ष के लिए हमारे के जौन समाज बा समाज के अंधकार में ढकेल जैसे हो। तीसरे नंबर स्थानीय से जहाँ की अब हर एक पार्टी के नेता लोगन बाटी प्रत्येक गांव गांव में हमारे कहा जा कि अब एक कमिटी बना बाटें ऐसे वोट मांगत बाटें यानी कि घर दिलू कर बाटें तो हमारे स्थानीय से बातचीत कर गला जोन कि ओम सत्य गाँव पालिका के मटेरिया के हमारे के महिला बाटें हमारे वहाँ से लेके बातचीत कर गला ते सुनल जा वहाँ के प्रदेश से बातचीत जोन कि हमारे की समाज के लिए 5 वर्ष के अवधि में यानी कि इससे पहले के स्थानीय निर्वाचन में और इससे पहले के चुनाव में कहा कहीं नहीं हमारे की नेता लोगन सुनल जा प्रदेश से बातचीत वहाँ से। हमार नाम अंजू ओम सती चार यहाँ 10-10 पढ़ के 12-12 पढ़ के घूमत आटे लड़के नौकरी ना लागता बिजली का बिल अधिक आवाता खाद पानी का समय सवा कहाँ से लावे जब नौकरी ना लागता ते पैसा ना आवत कहाँ से लावे शादी ब्याह कहाँ से हो बाल बच्चा कहाँ से जिया में किया नौकरी चाकरी ना लागता कैसे जिये खही हैं। नेता लोगन के विकास करे चाहिए फिर विकास करे हमारे सब वोट देता। हमार नाम दीपाली कुमारी चौधरी हो ओम सतिया चार हम गांव मटगेरिया हमन के जैसे यहाँ से बेरोजगार ढेरे बाट है जैसे हमार यहाँ सब नेता जीत के चल जाइए वोट जाए पैंता है दे नेता जैसे चुनाव आई चुनाव आए के बाद में हमरे नाई बुझल जाला नहीं बुझे के बाद में चाहे कौनो 4,000-5,000 कौनो मासु मछली खाए दिए ओकर ही पाछे लगी है आ जब 4,000-5,000 पइए तो वही पाछे लगी है ऐसन पाछे नहीं लागे चाहिए। नेता लोग जब जीत के जब नेता बन जाइए जब पढ़ लिख ले ला तो ओकरे बाद में अपन पक्ष खींचा लागना है जैसे अपन पक्ष खींचिए अपने अपन उठी दूसरे के नहीं तकिए अपने कहिए कि अपना ही मन के हम लगाइए ऐसा नहीं करे के चाहिए अपन जे पढ़े लिखे रहा शिक्षित रहा नौकरी लागे के चाहिए बकीर नहीं अपन पक्ष खींच के अपन आदमी कह के अपने ही नौकरी लगावन है एक मारे जे पढ़ले रहला वो भी नहीं पावला ऐसे पहले राहुल ते अपन मन एक ढेर रखले रहा ओकरे बाद में जब ये बैसाख में चुनाव पड़ल तब दूसर जब नेता अलग तब राहुल के आदमी के ढेर जैसन हटा दिले बाटे दूसर दूसर मन ही रख दिले बाटे जे अध्यक्ष उप अध्यक्ष रहल जब हटा दिले बाटे तो उ अपन मन ही धीरे धीरे अब लगाए के कोशिश करत बाटे। सबके हमार नमस्कार हमार नाम आशा कुमारी चौधरी ओम सतिया गाँव पालिका वार्ड नंबर 4 मटेरिया समाज के समस्या ढेर बाटे समाज के समस्या कैसे बढ़ता गाँव घर में आवत न कह के अपन जो बड़ा बड़ा आदमी आते ना नेता कहल के हो गए फिर से चुनाव पड़ल एमे जीत के का कहीं ना का नहीं कहीं ना कह के समस्या यहाँ आवता कि नेता 5 वर्षक चुनाव रही तो घर घर आके कहें कि यहाँ हमके वोट दा हम हई करा कहल के फिर से पुरुष हो या महिला मौका तो मिले चाहिए आगे बढ़े के फिर से महिला उठिए तो महिला के पक्षपात न कह के पुरुष के भी देखा पुरुष उठे तो महिला के समस्या भी पूरा करा हमन के समाज के समस्या काहे बाटे कौनो खाए के देना कह के घूस दे के काम करावे कह के कौनो कार्यक्रम आवता पैसा बजट आवता कह के गांव घर के मने आधा खाते हैं आधा न खा के आधा काम कह के जाते हैं आधो में उहो बचत बा कह के अपन मने चीन के अपन घर के अपन टोला समाज के विकास करत बाना ई ना होखे कह के अब से संसदीय चुनाव में फिर से उठे के जो नेता बाना उन्हन पसंद के भी मौका दिहल जाए एक आध बेर उठ के का करन सकिए पहले तो कहीं ने गई ने कहल के समस्या खड़ा कहीं ना कि समस्या हल कहीं ने यह के नाई बात बा अपन समस्या कहाँ आवता कि अपन गांव घर के मने पहले सक्षम होके पढ़ लिख के का करिहन पढ़ लिख के आगे बढ़े के क्षमता तो हो पड़ल कहल के विकास कैसे हो आगे बढ़े पड़ल गांव घर के बेटी हो गया कहल के बुहारी भइल ओकानन के मौका
मौका दा एकाध बेर की हम आगे जाई आगे कहल के हई करे सकी नेता तो जीती हन पाँच साल बची पाँच साल काम करी है पाँच साल कहल के अपन कोर्स पूरा करी है पाँच साल में कहाँ विकास करी कहाँ कहल के न कह पाए वहाँ जा न भरना पड़े कि यहाँ विकास हो के अपन मन ही सट्टा में रखें या न रखें पहला नंबर रखें वो करे सकी समस्या हल्काई कि समस्या बढ़ाई समस्या कहल के हल्का कम हो जब युवा पीढ़ी पढ़िए तब ते काम पाइए ना पढ़ के तो काम नहीं मिली अब पढ़ के भी विदेश कहे जात बन विदेश कहल के यह काम करत के लाज लगता छोटा मोटा काम करके अपन देश के विकास कर अब विदेश जाके कहल के अपन देश छोड़ के जाके वहाँ काम करत वह तो मजदूरी हो कहल के तो बलुक से नेपाल में बैठ के वो काम करें वहे विकास करें नेता कहल के अहें अब अपन गांव पाँच साल के कहल के चुनाव में जीतना अब कितना अपन बजट बनेना केना कहल के सरकार के बजट घटेना ये नहीं भर पड़त कुछ विकास कहना कि ना ये देखा विकास कहल के तो दोबारा मौका दा अब विकास ना भइल तो फिर से मौका ना दा अब फिर से संसदीय चुनाव बा एमे अब कईयो पद के उठिए कईयो सट्टा वाले एमे ना कह के कि हई सट्टा के निक बना हई सट्टा के बेकार बना सब अपन अपन जगह ठीक बाटे कहल के बाकी एक बेर मौका केहू के देहल चाहे अब एक बेर जीत के काम ना कह सके फिर से समाज के सुधार में कुछ नहीं आयल कह के उन सुधार आय पड़ पाँच वर्ष से कहल के उ चुनाव गईले बैसाख में जौन भाई फिर से संसदीय चुनाव आयल इो पाँच साल के सट्टा हो कहल के पहले जौन नेता जितना का कही ना फिर से नया पीढ़ी के जौन उठत बन एक आध बेर मौका दे चाहिए कहल के कुछ विकास करें अथवा कुछ समाज के मनोसुधार करें नया युवा बना जौन पढ़ल लिखल बने दोबारा मौका दे मौका अथी मौका भी पावे कि हम हई कर सकब अब कहल के गांव समाज में रहल मने गांव अब बाहरे बैठल कहल के शहर बाजार में के दिमाग के मनो कहल के बहुत फर्क बा गांव घर में बैठल के बहुत फर्क बा अब यहाँ नेता एहन कह के कि गांव घर में कहीं हई हो सकी कह के गांव घर के मने तो पहले ओसन होके सट्टा की मनो हम हई कर सकब हई नेता लोग जीतल बने हई मांग करल जा कि हमन के कहल के कि समाज के सुधार होके अथवा भाटो घाटो बने कहल के नाला के व्यवस्था होके पानी बरखा याम में पानी बरस आकाश यही कहल के उ हो आकाशीय देन कि मन पानी बरसा तक के बाटो घाटो नीक होके पड़ल जौन कि हमन के समाज के मनी रेंगे के व्यवस्था भी अच्छा रहे कहूँ जा कह के कहूँ गिरे के ना मौका मिले कहल के बरखा भइल तो बाटो ना नीक रहल खराब भइल मतलब पढ़े वाले लइकन के बस आवता बस जाए के सड़क बढ़िया चाही और कहल के हमन के गांव समाज के रेंगत हैं जो रोज के रेंगत हैं सड़क में उस सड़क के भी आपके मनो सुधार होके चाहिए और उम्मीद बाकी अब से जो नेता जीता तो ना जितावल जा नया फिर से नया बना कह के ना सोचल जा कि नया हो ना कह के मौका दिया जाए एक आध बेर फिर से जीता के ऊ ना काम कहीं ना अच्छा पहले के नेता ना कहीं ना अब के नेता सुधार कर चुनाव में पार्टी ना देख के जनता देख के जो कि हमन के समाज जनता देखे फिर से करे वाले काम आगे बढ़े वाला कि आगे बढ़े पाछे न जा और एमे के जन हमन के ते ये संग कौनो भी चुनाव आए पाँच वर्ष खरती में आवता चुनाव हर एक चुनाव में कहल के हमन के पार्टी न देखल जा सही व्यक्ति के चुनल जा और फिर से मौका दिया जा जीत के समाज में सुधार लावे देश में सुधार लावे सबके अनुरोध कर थी। नमस्ते हमारा नाम अनिता थारू हूँ हमारे घर ओम सतिया गाँव पालिका वार्ड नंबर 3 में पड़ा है अब सिर्फ तो अब जैसे कि अब तमाहुन पार्टी भैल नहीं अब पुराना पार्टी तमाहुन पार्टी जैसे हमारे कांग्रेस रपरपा भैन बहुत हृदय हमन के वोट दे के भी देख चुकल गए जिताएल गए बाकी अभी तक हमन के चित्त बुझ दो अभी काम नहीं भैल बहुत काम अभी उ सब अधूरे छोड़ले बाटे जैसे कि अब जो वादा करें उ वादा कबो नहीं पूरा करत हमन के नहीं देखल गए तो अब ये कहा जाता कि अब हमन के समाज में जो नया तरीका से आई जो नया योजना के साथ प्रतिबद्धता कह के आई राजनीतिक दल के अब सिर्फ पारी वोट दे के देखल जा कह के हमारे विचार लगा था।
जैसे कि अब हमन के जे नया पार्टी बाटे हैं, नया व्यक्ति बाटे हैं, हमन के स्थानीय व्यक्ति बाटे हैं, जैसे अब हम कहाँ कहाँ के व्यक्ति आवे ने चुनाव लड़े ने वोट दिहल जाला जीत के जाने, बाकी फिर से हमन के समस्या का बा, हमन के का चाही कह के कब्बू नहीं बुझे आवे ने। हमन के देखल जा पहले हूँ पारी ही हमन के क्षेत्र से जिताए गए जना एम एल ए से, बाकी तब वो कब्बू नहीं आई ने, हमन के तो चिन्हबो नहीं करल जला उनके। तो इसे जब हमन के नया पार्टी नया व्यक्ति नया योजना लेके नया प्रतिबद्धता लेके जब आवत बाटे नया विधायक, अब हमन के उनके एकदम जीता के कैसन काम करें वो हमन के देखे के चाहल जाता कि शायद अब सिर्फ पारी कुछ नया देखे मिली कि कहा के हमन के नया पार्टी से एकदम आश कैले बाटे जा। ढेर जन के मनो हम मुँह से सुन ली कि अब सिर्फ जनमुक्ति पार्टी के दिहल गए वोट उन्हें जितावल गए घर में दिहल गए, तब शायद वो पार्टी बढ़िया हुई नया योजना नया बात लेके आवाता जिसन हमके लागत। और हमन के यहाँ बात में सुन लो कि हिसाब से एक नया बात नया एजेंडा और जो पार्टी आई ने अपन बात रखने उसे एकदम फर्क पाई गए हमन के, तो शायद ये पार्टी और पार्टी से बढ़िया हो सकला कही के हमन के आशा रख ले पार्टी। त्यो सोचमै जोन भोटर बाटे अनि कि जोन नेता लोगन बाटे हरेक गाउँ गाउँमै अब हाम्रो देखा जिते अक्सर के ब्याकवार्ड जोन कि पिछड़ एरिया बा ऊ जग्गामै जाके और नेता लोगन जहिए ते जनतन के फुसलाइँ अब कि पारी हमके भोट दा हम ऐसन विकास करके के फिर भी जब जे जहिए ते विकास के ते बातें छोड़ल जा जब कुर्सी पर बैठ दें ते अपन जोन कार्यकर्ता अनि कि अपन भोटर बाटे उस सबके चिन्हते बात भी छोड़ल जा। नमस्कार करिए जोन जनता और जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष यानी कि मेयर उपमेयर के कुर्सी पर बैठ जाइए ते नमस्कार भी फरकाक नहीं सकने ऐसा हमन के अवस्था बा। रूपंदेही में हमारे सुरा पालिका में भी ढेर जन के हमारे ऐसे ही देखे पाल जाता और अध्यक्ष अपन जगह पर बाटें फिर भी उपाध्यक्ष जोन महिला बाटे वहाँ के भी हमन के रूपंदे के सोरा पालिका मध्य ढेर से ढेर हमन के गुनासो बा। ते वो भी सोचे पड़ल हम कौन जगह में आयल बाटी कौन जगह से यहाँ आयल बाटी और हम कौन जगह में पहले रही कह के यानी कि उतना घड़ी हमार आर्थिक स्थिति कैसन रहे और हम गोड़ में एक टू चप्पल पहन के घूमत रही। अब आज घड़ी तो हम हर एक कार्यक्रम में जात बाटी और दो चार पैसे हर कर बाटी यानी कि तरह पर कर बाटी यानी कि जितना भी हमन की अध्यक्ष उपाध्यक्ष बाटी मेयर उपमेयर बाटी अब कल के मतलब कि विकास निर्माण के काम ते बातें छोड़ल जा। वहाँ के जो न अपन व्यक्ति बाटें अपन मनई बाटें अपन जन बाटें वहाँ के ही कोनो एयर वर सोर्स फोर्स लगा के जागीर दे के हमन के तलन ऐसा बढ़ले जात बा। और जब एक व्यक्ति बाटें यानी कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष एक बाटें फिर दूसर जब निर्वाचन आई थे उ सबके अपन जो न पहले के अब पार्टी के हिसाब से दूसर पार्टी के रहने वो सबके भी निकार देख चलन बढ़ते जात बा। हमन के रूपंदेही के हक में भी और हमारे ओम सत्य में भी ऐसे देखे पाल गिल ते ऐसे हमन के भर के जो न महिला से हमारे शिकायत सुनल गए कि हमन के ओम सत्या वार्ड नंबर चार के महिला और ऐसे तीन के महिला रहने ते सच में हमन के ये गाँव घर में ऐसा समस्या बा। ते हमन के कोनो भी नेता बाटे कोनो भी पार्टी के नेता बाटे वो सब यदि अच्छा काम कर अपन कार्यकाल में फिर ते फिर दूसरा कार्यकाल में वोट मांगे जाए के जरूरी हमन के नहीं लौकाई वो सब जानकारी देख पड़े कि हम फिर उठल बाटी हमके वोट दे बाकी का कर बताए जनता अवश्य वोट दिए जनता इतना विश्वासी लो हमन के बाटी बाकी का हमारे इतना पाल गए जो नेता बाटी उ सब हमन के विश्वासी नेता हमारे नहीं पाल गए। ते अब कितना जने बाटी कि हमारे अब नया के हमारे वोट डाल जा नया व्यक्ति के जमे नए उम्मीदवार बाटी अब कितना बाटी हमन के जो कि प्रदेश सभा की सदस्य में उम्मीदवार डाले बाटी कितना जो हमन के संसदीय में जो उम्मीदवार डाले बाटी। ते अक्सर कह के हमके सबसे पहले ते पुरान जो पार्टी बाटी और नया पार्टी के तुलना करत बाटी और फिर दोबारा वही चेहरा आत बा ते हमारे ये चेहरा के अब वोट नहीं दे के हमन के जोन जनता बाटी ते हमारे कौन भी पार्टी हो या सबसे बड़ी ते हमन के जोन व्यक्ति हमन के विश्वास करत बा आगे पाछे सहयोग करत बा ओके हमारे वोट डाल जा ओके वोट दे के जिताल जा। ते
हमन के विकास निर्माण के काम हो सकी, ना कि हमन के 5 वर्ष के अवधि में देखल गई गाँव समाज के जौन हमन के स्थानीय तह के निर्वाचन भी सम्पन्न हो चुकल, इससे पहले भी 5 वर्ष के अवधि में कुछ काम कई के नहीं देखने, और फिर हमन के उहे व्यक्ति जौन छठवां वर्ष में लगल बाटे फिर दूसरा कार्यकाल में आ चुकल बाटे, और फिर हमन के संसदीय निर्वाचन हो जात बा अगहन 4 गति। अब एमा भी जो नेता लोगन बाटे हर एक जगह में घर दिल कर बाटे ते सुनल जा, फिर हमारे आवाज लहल गिल बा, हमारे बातचीत कल गिल बा लुमनी थारुआ टिमगरात प्रदेश 5 के अध्यक्ष से जमबहादुर गुरुंग से सुनल जा, वहाँ से कल बातचीत। राष्ट्रीय जनमुक्ति पार्टी विशेष गरेर नेपालमा विसंगति विकृति भ्रष्टाचार कुशासनको अन्त गर्नको लागि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको एजेन्डा सुरुदेखि हामीले भनेछौँ कि नेपालमा संहिताको व्यवस्था राम्रो हुनु पर्यो, संहिता नामको मात्रै भयो, संहितालाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नको लागि एउटा कुरा हो। दुसरो धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रमा अहिले धर्मनिरपेक्षताको कुरा उठे तर त्यो व्यवहारमा आएन, त्यसै गरी र तिसरा कुरा हो कि पहिचानको अधिकारको र राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी निरन्तर त पछिल्लो 31 वर्षबाट लड्दै आइरहेको छ। नेपालमा सबैभन्दा ठुलो करप्सन भ्रष्टाचार छ, यो भ्रष्टाचारको अन्त गर्नुपर्छ। यो भ्रष्टाचारको अन्त कसरी गर्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ, र त्यसले जति ठुलो भ्रष्टाचार गरेको छ त्यही अनुसारको त्यसलाई सजाय दण्ड सजाय गर्नुपर्छ। र भ्रष्टाचारले कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, र भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई आजीवन जेल सजाय दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यही कारणको लागि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको एजेन्डा छ। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको थुप्रै एजेन्डाहरू छ, जसमध्ये पहिला धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, सुशासन र भयरहितको शासन र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पहिचान, अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारको व्यवस्थाको लागि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको विशेष एजेन्डा छ, विशेष एजेन्डा छ। प्रेम बहादुर थापा मगर, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 कबाट विधायक उम्मेदवार। यहाँको उम्मेदवारी के का लागि? मेरो उम्मेदवारी के का लागि भन्दा राजजी, तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। मेरो उम्मेदवारी भनेको मेक नेसन सेभ नेसन, राष्ट्र बचाउँ राष्ट्र बनाउँको लागि मेरो उम्मेदवारी हो। यो नेपालमा अहिले धेरै कार्यकालहरू 29 वटा सरकार 32 वर्षमा बनेको अवस्था छ, त्यो अवस्थामा 13 कार्यकाल नेपाली काङ्ग्रेसले चलाएको छ, 9 कार्यकाल सर्वहारा कम्युनिस्टले चलाएका छन्, भनेपछि 4 कार्यकाल राजाले चलाए, भनेपछि 4 कार्यकाल राप्रपाले चलायो, तर देश र जनताले त केही पनि पाएन। त्यसको विरुद्धमा जनताको आवाज बुलन्द गर्न, जनताको अधिकार उसलाई सुनिश्चित गराउनको लागि उम्मेदवारी छ, किनभने यो देशमा धेरै पटक चाहिँ यो परिवर्तन हुँदाखेरि 2074 प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा कम्युनिस्ट भन्ने सर्वहारा वर्गले जनतालाई कति झुक्कायो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो राजजी। त्यहाँ चाहिँ उनले सानो पार्टी धेरै भए, 2/3 बहुमत पुगेन भनेर झुक्काएर 2/3 बहुमत पनि पुर्याइयो, 2/3 बहुमत पुराए पश्चात उनले के गरे त भन्दाखेरि आफ्नै खुट्टामा आफ्नै मन्सुरो हानेर त्यो सरकार पनि 2 वर्षभन्दा बढी चलेन। अब यस्ता सरकारको खिलाफमा यिनका नीति नियम केही पनि होइन, यिनी भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने थाहा लागिसकेपछि मेरो उम्मेदवारी भनेको यो देशमा भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने, भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने, सबै चाहिँ नि जनतालाई चाहिँ नि जनताको विकासको काम गर्ने भनेर मेरो उम्मेदवारी रहेको छ। बातचीत कल गेले लुम्बिनी थरुवाट मगरात प्रदेश 5 के अध्यक्ष जमबहादुर गुरुङ, और इस निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 के प्रत्यक्ष सभा सदस्य उम्मीदवार प्रेमबहादुर थापा मगर से कल बातचीत थे। वैसे हमन के कोनो भी पार्टी में आबद रहल जा, और सबसे पहले ते कोनो भी नेता यदि दोबारा फिर चुनाव में अगिल बाटी अपन भोट मांगे के लिए जिता के लिए वहाँ कह रहा बाटी, ते हमारे सबसे पहले वहाँ सबके प्रश्न कल जा कि इससे पहले भी जीत के
गिलहला यानी कि हमारे जिताल गिल ही भारी मत से फिर भी अब इससे पहले 5 वर्ष के अवधि में कौन कौन से ऐसा काम कैले बाटे कि हमारे फिर वोट दल सके कि हमारे ई पर्सन अवश्य कल जा और नया व्यक्ति बाटे हमारे नया व्यक्ति के भी एक बेर हमारे वहाँ के चेहरा जब दत बाटी थे अवश्य वहाँ के विश्वास के हमारे भोट दल जा कहे से हमारे पुराने चेहरा हमारे एक दफे विश्वास कल गए और फिर हमारे दूसरा दफे विश्वास कल गल फिर तीसरा दफे विश्वास करते करते हमारे के जूनी विविध जाए और हमारे समाज के विकास थे बातें छोड़ल जा और हमारे विकृति विसंगति से जकड़ते जाए हमारे समाज और जन नेता लोगन बाटे और खा के मोटाते जाइए यानी कि भ्रष्टाचार करते रहिए वहाँ सब इतना ढेर पैसा कमाई है ओखन के अब पैसा रखे वाला जगह भी ना मिली और हमारे जे धनी बा वो धनी होते जाए जे गरीब बा वो गरीब होते जाए यानी कि जे अभी लीडिंग करत बा जे नेता बा राजनीतिक दल के नेता लोगन चुनाव से जीत के यानी कि निर्वाचित होके वो सब ढेर से ढेर पैसे कमाई हैं यानी कि विकास नहीं करिए और जनता बाटें वो सब वोट देते रहिए ओखन के धनी बना के लिए यानी कि कोनो भी जब हमारे के नेता के जिताल जाता वहाँ सब हमारे शासक न मान के वो सब हमारे के लिए एक सेवक हमारे मानल जा और उस सब भी अपने आप के सेवक की भूमिका निर्वाह करा तब बस भर के असल सभी समाज के निर्माण हो सकी और हमारे के कोनो भी व्यक्ति के जो कोनो भी नेता बाटे कोनो भी पार्टी बा ते सबसे पहले तो हमारे सोचल जा हमारे के गाँव में इससे पहले कैसे विकास रहे वो पार्टी यदि हमारे के गाँव में विकास कैले बा कि नहीं हमारे जिताल गेल और फिर जितैले वो पार्टी थोड़ा से काम कैले बा ते हमारे चांस दहल जा वह पार्टी फिर 5 वर्ष के अवधि में कुछ काम ना कैले बा और फिर हमारे उस सबके चांस दहल जी फिर हमन के 5 वर्ष के लिए अपन भविष्य बिगाड़ल जैसा हो हमारे अपन आपके भरना हो कि हमन के जो आवला पुस्ता बाटे हमन के जो आवला पीढ़ी बा उस सबके भी हमारे अवसर घुमाल जैसा हो ते सबसे पहले हमारे मूल्यांकन कल जा कोनो भी नेता के और वहाँ सबके जो एजेंडा बा और हमारे एजेंडा के बढ़िया से अध्ययन कल जा वहाँ के का एजेंडा बा ते अब वो एजेंडा जो नेता लोगन वोट मांगे आद बाटे ते सबसे पहले ते हमारे वहाँ के जो बात बा वहाँ के जो विकास के दीप के बात रखत बाटे वो सबके हमारे रिकॉर्ड कल जा और फिर जिताल जा यानी कि वोट दाल जा और वो व्यक्ति फिर दोबारा आके काम नहीं करें ते फिर हमारे वो रिकॉर्ड रखल जा और हमारे सुनाल जा ते सबसे पहले ते हमारे युवा लोगन सचेत होइक पड़ल ना कि हमारे वह पार्टी के अब एक बेर दुई बेर तीन बेर हरदम वोटे देते रह जी ते वो सब मोटाते जी हैं यानी कि वो सब धनी होते जी हैं और हमारे गरीब होते जाल जी यानी कि वो सब काला धन कमाते रहिए और जो जनता बाटें जिंदगी भर ऐसे ने वो सबके गुलामी करते रहिए जो हमारे आजकल ही सब जन के हमन के सामने बा ये झूठ बोले बात नहीं हो कैसे अब म्यादी में जो प्रहरी में भरना होत बाटें और ढेर से ढेर पढ़ल बाटें कहा जाए कि 10 से ऊपर पढ़ल बाटी हैं कितना इंटर बैचलर कितना डिग्री पढ़ल भी भरना होत बाटी कहे से ओखन के रोजगारी के सृजन नहीं बा और जे नेता उठत बाटी हैं कितना जन नेता अंगूठा छाप बाटी हमन के रूपंदेही के हक में जे कितना जन के कहा जा जो है अध्यक्ष से उपाध्यक्ष से पालिका के बाटी कितना जन के हमारे अंगूठा छाप पाल जी अब कितना जन नेते जब जीत गिने ते रात भर कोनो व्यक्ति के बोला के सिग्नेचर करे सिकले बाटी ऐसा नहीं ऐसा हमन के अवस्था बा अति हमन के समाज के विकास कैसे हो सकी और वो गलती हमन के हो वैसे नहीं व्यक्ति के जो पार्टी टिकट देत बा और उस सभी टिकट खरीदत बाटें पैसा देत बाटें टिकट पाट बाटें कोनो भी पार्टी से और बाद में एक पार्टी से टिकट नहीं पाट बाटें तो दूसर पार्टी में फिर आबद हो जात बाटें यानी कि एक महीने में 3 बेर पार्टी चेंज कर भी उदाहरण बा हमन के रूपंदेही के हक में अब ऐसे नहीं हमारे करते रहे कहन के लीला देखते रहे तमाशा देखते रहते हमन के भविष्य भी बिगड़ सकी और एक साथ में हमन के आवला जन लैके बाटे ओखन के भविष्य भी बिगड़ जी ते ऐसे हमारे युवा लोगन अभिन से सोचल जा जागल जा जब तक हमारे जागिक नहीं सकल जी तब तक समाज के विकास हो नहीं सकी अति अवसर के हमन के पालो हो यानी कि अनहा निर्वाचन में ऐसा व्यक्ति के चुनल जा ताकि समाज की विकास कर सके न कि हमारे दारू में यानी कि बियर में और मुर्गा के गोश में खसी के गोश में हमारे मांस दारू में बिका जा जी ते अब 1000 लेके 2000 लेके हमारे वोट दल जी ते हमन के अपन भविष्य बिगाड़ल हो यही मारे हमारे सचेत रह जा ऐसे हमारे बातचीत करते विद्रक समय हो गई बात ये कार्यक्रम देखल गई बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन कार्यक्रम संस्कृति सरोवर हम संजल रात भी विदा होकर साहब ऐसे आज के हमारे कैमरा पर्सन नारायण के बीच धन्यवाद देत
आप सबकी भी फिर से धन्यवाद दित नमस्ते।